विशेषरगंज भैरोनाथ व्यापार मंडल द्वारा विशेषरगंज स्थित एक होटल में सद्भावना गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सैकड़ों व्यापारियों ने पहुंचकर अपना विचार रखा। व्यापारियों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न एवं समस्याओं से अपने पदाधिकारियों को और व्यापारी नेताओं को अवगत कराया गया। सद्भावना गोष्ठी में शरद शर्मा ज्वाइंट कमिश्नर ने पहुंचकर व्यापारियों की समस्याओं को सुना एवं उनके निराकरण की बात कही। व्यापारियों ने जीएसटी को गले की फांस बताया। व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देता है फिर भी चोर घोषित किया जाता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रतीक गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, छोटेलाल जायसवाल, अलखनाथ गोस्वामी सहित अन्य व्यापारी एवं व्यापारी नेता उपस्थित रहे। सद्भावना गोष्ठी हम व्यापारियों के बीच में एक आपसी सौहार्द को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इसमें सारे व्यापारी एकत्रित हो गए, एक दूसरे से मिलन करेंगे और सहभोज करेंगे और एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे। व्यापार में जो अभी चुनाव बीता है और सारी चीजें त्यौहार बीते हैं और आगे जो बीते सब मंगलमय लोगों का हो, व्यापारियों का हो और व्यापार अच्छे ढंग से चले। लगातार व्यापारी की बात करते हैं तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, बैठक में क्या आज निर्णय निकलेगा? देखिए, ऐसा कोई व्यापारी उत्पीड़न चाहे बैठे आज एक सद्भावना रैली जो सद्भावना गोष्ठी जो नाम है तो एक सद्भावना की तरफ नजर आते कोई उत्पीड़न की और कोई आंदोलन की बात नहीं है। एक दूसरे से मिल के एक दूसरे का दुख और खुशी बांटने की बात है और एक भाईचारे की बात है और कोई ऐसा ऐसे विशेष इसमें विशेषरगंज के और वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्राष्ट्रीय व्यस्त महासम्मेलन के सारे व्यापारी और अधिकारीगण और हमारे छायाकार पत्रकार बंधु भी सहभागी हैं। एक दूसरे से चर्चा होगी, जो आगे होगा वो जरूर आप लोगों से शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा।